फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल थिंग्स इन मदरहुड, दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। सो ये मेरे सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड है। माई सीरीज़ इज़ ऑल इज़ वेल। ये आप सीरीज़ यहाँ यूट्यूब पे और आप अपने पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं। मेरे पॉडकास्ट का नाम है ऑल इज़ वेल। वीडियो शुरू करने से पहले आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर। ईच एंड एवरी आंसर आई एम गिविंग आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस स्टेज इन माय लाइफ एंड आई हैव गॉन थ्रू द होल स्ट्रगल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड थ्रू दैट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज। सो फर्स्ट लेट मी आंसर ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस व्हेन इट कम्स टू ब्रेस्ट फीडिंग। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग? ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं, स्पेशली फॉर द बेबी। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये बच्चे को एलर्जी से बचाता है। एनी सॉर्ट ऑफ एलर्जी जो आप दूसरा फॉर्मूला में होती है या अदर फॉर्म्स ऑफ मिल्क में होती है, जिनसे हो सकते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, उससे ये प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज़ बेनिफिशियल इन सेविंग द चाइल्ड फ्रॉम एलर्जीज एंड उसके साथ साथ इन्फेक्शन से भी ये बच्चे को बचाता है। बच्चे को पेट की परेशानी ना हो, दैट इज़ डायरिया ना हो, फॉर दैट ऑल्सो हेल्प करता है। बिकॉज हाउ हेल्प करता है, बिकॉज मदर्स मिल्क जो होता है उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स सारे होते हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर द बेबी। सो वो राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड मदर्स मिल्क में जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो सारे के सारे आर लाइक द बेस्ट एंड लाइक अ जड़ी बूटी फॉर द बेबी। ओके, इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं मदर के लिए, ये हमारा अगला सवाल। सो ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं मदर के लिए। सबसे पहले तो जब आप बर्थ देते हैं उसके बाद आपके ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाते हैं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो आपके ब्रेस्ट को और आपके बॉडी को रिलीफ मिलेगा। वो जो बिल्ट अप मिल्क हो जाता है आपके बॉडी में, आपके ब्रेस्ट में बिल्ट, वो रिलीज हो जाएगा। एंड इससे क्या होता है कि अगर ये रिलीज हो जाए करेक्टली तो आपके लम्ब्स नहीं फॉर्म होते। सो अगर इफ़ लम्ब्स गेट फॉर्म, इट इज़ वेरी पेनफुल एंड बहुत बारी इनको हटवाना भी पड़ जाता है डॉक्टर से। वो डॉक्टर हटाते हैं मोस्टली थ्रू अ सर्जिकल प्रोसीजर, विच इज़ अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड अ मेस। एंड इसलिए इस मदर के फायदे ये होते हैं कि वो लम्ब्स एंड वो पेन से वो बच जाते हैं। जो इंगॉर्ज्ड ब्रेस्ट से पेन आती है उससे आप बच जाते हैं। ओके, दूसरा फायदा जो ब्रेस्ट फीडिंग से मदर को मिलता है वो ये है कि उनकी बॉडी काफ़ी शेप में रहने की कोशिश होती है। ब्रेस्ट फीडिंग में जो आपका मिल्क बॉडी में क्रिएट होता है और जो वो बच्चे के लिए स्पेसिफिकली बना है, अगर वो रिलीज अच्छे से हो जाए तो बॉडी में जो फैट होता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जो लाइक बॉडी में बन जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम एंड ऑल दैट, तो वो फैट बॉडी से निकल जाता है करेक्टली। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो यू विल मेंटेन अ गुड फिजीक एंड हैव अ गुड फिगर ऑल्सो। अच्छा, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग आपको 10-15 मिनट्स की ईजिली करनी ही है। बेसिकली 10-15 मिनट्स, तो जैसे बच्चा जब बॉर्न होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एटलीस्ट 15-20 मिनट्स वो करते हैं फीड। एंड दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ज़्यादा है या कम है। हाँ, ये फीडिंग बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को एवरी 1-1.5 आवर्स में चाहिए होती है। सो एवरी 1.5 आवर ऑन डिमांड आप बच्चे को फीड करिए। ऑन डिमांड मीनिंग जब बच्चा सिग्नल्स दे या बच्चा रोए फॉर मिल्क, तब आप उसे फीड करिए। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, ब्रेस्ट मिल्क कैसा दिखता है? नाउ जब आप बिगिनिंग में आपका मिल्क आएगा तो आपको वो थोड़ा सा येलोविश काइंड ऑफ मिल्क दिखेगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल। एंड उसके बाद आफ्टर कपल ऑफ डेज वो नॉर्मल होके थोड़ा वाइटिश हो जाएगा। नाउ डिपेंड करता है कि आप क्या खाना खाएं। इसके लिए आप अपनी हेल्थ एंड डाइट अच्छे से मेंटेन रखें, अच्छे न्यूट्रिएंट खाना खाएं और अगर अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो भी आप खाएंगे, आप ऐसे समझें आप जो खाएंगे वो सब बच्चे को मिलेगा। तो आप जितना न्यूट्रिशियस एंड पोषक खाना जैसे बोलते हैं वो खाना ज़्यादा पसंद करिए। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, हमें कैसे पता चले दैट बच्चा हंग्री है? सो द आंसर इज, बच्चा सबसे पहले तो सिग्नल्स देते हैं। क्राइम इज़ द लास्ट सिग्नल। फर्स्ट इज कि वो अपने मुंह चलाएंगे। मुंह कैसे चलाएंगे? ऐसे कर करके टंग बाहर निकालेंगे, ऐसे कर करके, विच मीन्स ये हंगरी हैं, ये हंगर क्यूज हैं। उसके बाद उनका हंगर क्यू होगा कि अगर उनके जो फिस्ट है, अगर फिस्ट मुट्ठी बन जाए, अगर हाथ मुट्ठी बन जाए, अगर हाथ फिस्ट बन जाए तो दे आर हंगरी। अगर आप देख रहे हैं कि आप उनको फीड कर रहे हैं और उनका हाथ अभी भी फिस्ट है तो मतलब बच्चे का पेट अभी नहीं भरा है और अभी वो हंगरी है। ये वन ऑफ दी बिगेस्ट वेज है डिटर्मिन करने के बच्चा हंगरी है कि नहीं। थर्ड वे टू फाइंड आउट इज कि अगर बच्चा हाथ अपने मुंह के पास ला रहा है,
अगर बार बार ये हाथ बच्चा अपने मुंह के पास ला रहा है, अपने मुंह में डाल रहा है, तो वो हंग्री है. फोर्थ इज कि अगर बच्चा अपना हाथ बेंड कर रहा है, ऐसे बेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो हंग्री है. इस बात का आप ध्यान रखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट क्यूज हैं टू अंडरस्टैंड बच्चा हंग्री है. फिर अगर बच्चा बहुत अलर्ट दिखे आपको, इसमें पता चलता है कि वो हंग्री है, उसको भूख लगी है. अगर इनमें से चीज़ें ये करे तो बच्चे को आप फीड करिए. ये याद रखिए, अगर लोग बोलते हैं कि बच्चा अभी रो नहीं रहा, अभी उसको भूख नहीं लगी, तो रोना इज़ द लास्ट ऑल्टरनेटिव बच्चे के पास जो होता है. बच्चा पहले ये सारी चीज़ें आपको बताता है और फिर भी आप नहीं अगर समझते हैं तो बच्चा रोना शुरू करता है. आप समझ रहे हैं? तो आप वो रोने तक का वेट ना करें. जब ये सारे इंडिकेशंस और सिग्नल्स बच्चा दे, तब आप बच्चे को अटेंड करें. आप अलर्ट रहें कि आप देखते रहें, आप नोटिस करें कि बच्चे की क्या ज़रूरत है. ओके, सो नेक्स्ट इज कि हमें कितनी बार बार बच्चे को फीड करना है. इसका आंसर सिंपल है, जब बच्चा बॉर्न होता है तो बच्चे को आपको 1.5 से 2 घंटे में वो फीड मांगेगा ही मांगेगा. कभी कभी होता है कि आप बच्चे को फीड करें हैं 2 से 3 घंटे में, विच इज़ ओके. मेरा मानना ये है बच्चे को ऑन डिमांड फीड करें. मोस्टली बच्चे जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं वो 1.5 से 2 घंटे में अपना रोना गाना शुरू कर देते हैं कि हमें भूख लगी है, भूख लगी है. और रात में आपको भी बच्चे को एवरी 2 घंटे फीड करना ही पड़ेगा. सो बी प्रिपेयर्ड कि छोटे बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको आपको काफ़ी जल्दी जल्दी फीड करना है. सो स्टार्टिंग में ये आपकी थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा वैसे वैसे आपका ये जो ड्यूरेशन है धीरे धीरे 2 घंटे के ब्रेक में आ जाएगा, धीरे धीरे 4 घंटे के ब्रेक में आ जाएगा, यू नो. तो लेकिन ये चेंज कब आता है, बच्चा ये खुद डिसाइड करेगा कि उसे अब भूख लगी है. ये बच्चे पे छोड़ दीजिए कि बच्चे को कब खाना खाना है, बच्चे को कब फीड करना है, यू नो. बच्चा खुद आपको बताएगा, आप बच्चे को खुद ना फीड करें. इससे क्या होगा कि अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को फीड करेंगे या आपको लग रहा होगा कि बच्चा हंग्री है और बच्चा हंग्री नहीं है, या बच्चे ने नहीं मांगा है खाना, बच्चे ने नहीं दूध मांगा है, तो आप उसको फिर भी दे रहे हैं, इससे उसके पेट पर असर पड़ेगा, उसको गैस होएगी, उसको पेट की परेशानी होएगी, उससे बच्चा और भी परेशान रहेगा और आपकी भी और परेशानी बढ़ेगी. तो इस बात का ध्यान रखें. ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स. कुछ होते हैं चीज़ें जो आपको हमेशा याद रखनी है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे. सबसे पहली बात, मैंने अपने और भी वीडियोस में बोला है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप ये वीडियो वो वीडियो जाके देखिए. बेसिकली मैं इसमें बोल रही हूँ कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे आप पानी अच्छे मात्रा में पिएं, अच्छी क्वांटिटी में पानी पिएं. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एटलीस्ट हैव 2 to 3 jugs ऑफ वाटर. दैट मच ऑफ वाटर यू नीड ताकि आपके बॉडी में मिल्क प्रिपेयर हो सके फॉर द बेबी. सेकेंड इज अच्छा खाना खाइए. जितना अच्छा खाना खाएंगे उतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा बच्चे को लॉन्ग टर्म. थर्ड है कि आप अपने विटामिन एंड मिनरल्स सब लेते रहिए. डोंट अवॉइड एनीथिंग बिकॉज योर बॉडी इज रनिंग 10 times फास्टर जो पहले रन कर रही थी. अभी वो किसी और के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी. तो प्लीज़ मेंटेन अ गुड डाइट एज वेल एज हैव योर मेडिसिन. सी फूड या फिश ये सब चीज़ें अवॉइड करें. इनमें क्या होता है, कभी कभी मर्करी कॉन्टेंट्स होते हैं विच इज़ नॉट गुड या नॉट हेल्दी फॉर अ बेबी. ऑल्सो अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड कैफीन एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग डेज. और अगर आपको नहीं पता है तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप कितना कैफीन कितनी मात्रा में पी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप 1 cup चाय तो पी सकते हैं विच इज़ ओके, लेकिन आप अवॉइड करें कि 1 cup भर के आप कॉफ़ी ना पिए. ये मेरा बोलना है, आप मात्रा सिर्फ क्वान्टिटी सिर्फ इतनी रखें अपनी कॉफ़ी की. ब्रेस्ट फीडिंग में और क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है. एक चीज़ ध्यान रखनी है, बच्चे को अगर फीड कर रहे हैं और अगर ये प्रोसेस आपके लिए कंसिडरेबली न्यू है, बच्चा छोटा है, तो आप उसको शांति में अकेले में फीड करिए. इससे क्या है कि बच्चा विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फीडिंग एंड उससे क्या होगा कि आपका ध्यान बच्चे पे ही रहेगा एंड बच्चा अपने फीडिंग पे ध्यान रह सकेगा. इस वजह से बच्चा विल बी फुल्ली फिल्ड विद मिल्क. ओके, सो अब आते हैं थोड़े से जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चंस पे कि ब्रेस्ट फीडिंग इज इट हर्टफुल. ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी हर्टफुल एंड ब्रेस्ट फीडिंग कैन नॉट बी हर्टफुल, ये आप पे डिसाइड होता है. नाउ कभी कभी क्या होता है, न्यू मदर्स के साथ उनका मिल्क नहीं आता है. नाउ मिल्क ना आना इज कॉल्ड कि उनका फ्लो नहीं बना है अभी तक, विच इज वेरी ओके एंड फ्लो बन जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती है. सबसे पहले याद रखें, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर रहे हैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, प्लीज टेक द स्ट्रेस आउट ऑफ द प्रोसेस. अगर आप स्ट्रेस में एंग्जाइटी में बच्चे को फीड करेंगे तो डिफिकल्ट होगा आपके लिए उतनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रिपेयर करना. सो हर्टफुल मीनिंग मेरा ये है कि हर्टफुल अगर बच्चे को मिल्क नहीं मिल रहा है और वो आपके निपल को सक करता जा रहा है तो आपके लिए तकलीफ होगी, आपको प्रॉब्लम आएगी. इसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर बच्चा आउट ऑफ द यूजुअल फीड कर रहा है, लाइक जनरली वो फॉर एग्जाम्पल न्यू बॉर्न बेबी इज फीडिंग फॉर 30 मिनट्स, इफ़
ऑन अ गिवन डे स्टार्टिंग में अगर वो 30 का 45 मिनट्स 1 आवर तक फीड करता जा रहा है, जैसे तब भी उसका पेट नहीं भर रहा है, सो दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि आपका फ्लो नहीं आया अभी तक. नाउ इट इज वेरी नॉर्मल फॉर अ न्यू मदर कि उनका फ्लो ना आए, तो इट्स नॉट टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट. सो आप लैक्टेशन स्पेशलिस्ट को से बात करें. लैक्टेशन स्पेशलिस्ट आपको बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं अपना मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए या अपना सप्लाई लाने के लिए. लेकिन टिल द टाइम जब तक आपके बच्चे को मिल्क नहीं मिल रहा है आपसे, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट गिविंग देम फॉर्मूला. उस टाइम पे जब बच्चे को नहीं कोई न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो आप उसे कैसे खाना देंगे? आप उसको कुछ तो देंगे, राइट? यू वॉन्ट लेट द बेबी गो हंग्री. प्लीज डोंट लेट द बेबी गो हंग्री. कि आप ये सोचे कि बच्चा सब कर लेगा, सब कर लेगा, सब कर लेगा और आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. कभी कभी 2 से 3 दिन लग जाते हैं आने में. तो आप उतने टाइम तक अपने बच्चे को हंग्री मत रखिए. आप ये मत सोचिए कि अगर मेरे को किसी ने बोला है, चाहे डॉक्टर ही हो और किसी ने भी बोला है कि भाई अभी आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड करें अपने बच्चे को. नाउ दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो. बट कभी कभी अगर कुछ लोग मदर्स की नॉर्मल डिलीवरी एज इन वैजिनल डिलीवरी नहीं हुई होती है और सी सेक्शन डिलीवरी हुई होती है, तो उनका मिल्क आने में टाइम लगता है. सो आप उस टाइम पे फॉर्मूला दें. जब मिल्क आ जाए तब आप उन्हें स्टार्ट कर दें ब्रेस्ट फीड करने को. कुछ मदर्स में जिनकी वैजिनल डिलीवरी होती है फिर भी उनका नहीं आता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, आप उस टाइम पे घबराएं नहीं, बच्चे को उस टाइम पे फॉर्मूला दें अगर आप मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो. और इसके साथ साथ आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ करें. ब्रेस्ट पंप से क्या होएगा, आप ब्रेस्ट पंप को यूज़ करें, उससे क्या होएगा, इट विल मिमिक द सक्शन एंड इट विल मिमिक द सेम काइंड ऑफ सक्शन दैट द बेबी इज डूइंग. तो उससे क्या है कि आपके ब्रेस्ट को, आपकी बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि हमें मिल्क प्रोड्यूस करना है. कभी कभी बॉडी काफ़ी अंदर से स्ट्रेस में जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग डिलीवरी, दैट वो रेडी नहीं होती है टू प्रोड्यूस मिल्क, एंड विच इज़ वेरी ओके. बहुत मदर्स के साथ ये होता है. आप इस टाइम पे अपने आप को सैड या डिफीटेड या लेट डाउन या ऐसा फील ना करें कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या आई एम नॉट अ गुड इनफ मदर, ऐसा मत सोचिए. उस टाइम पे स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी अपने दिमाग से निकाल दीजिए और ये सोचिए कि मैं अपनी मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकती हूँ. इसके कुछ देसी नुस्खे भी होते हैं एंड ये हर घर में नोन होंगे कि आप थोड़ा हींग एंड के लड्डू या ये सब चीज़ें खाएं, इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोलोस्ट्रम? ये बहुत नोन क्वेश्चन है. एक कोलोस्ट्रम बेसिकली होता है द फर्स्ट मिल्क दैट कम्स आउट. फर्स्ट मिल्क होता है बेसिकली व्हेन जब आप डिलीवरी करते हैं उसके बाद तुरंत ही जो आपका मिल्क आता है, ये मिल्क नहीं होता. दिस इज अ कोलोस्ट्रम. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मिल्क. नाउ कोलोस्ट्रम इज काइंड ऑफ अ येलोविश काइंड ऑफ अ लिक्विड जो बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है. जरूरी एज इन मैं बोलूंगी उसके लिए बहुत फायदेमंद है. इट हैज मेनी बेनिफिट्स फॉर द चाइल्ड. सो अगर आप अपने बेबी को कोलोस्ट्रम देंगे, इट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर देम. नाउ आफ्टर कोलोस्ट्रम यू कैन स्टिल हैव अ ड्राई टाइम कि आपका नहीं मिल्क आया है एंड आफ्टर 4-5 डेज आपका मिल्क आ गया. इट इज़ ओके, ये होता है. लेकिन कोलोस्ट्रम सब लेडीज का कोलोस्ट्रम आता है एंड सो यू शुड प्लान ऑन गिविंग देम कोलोस्ट्रम वंस यू डू द डिलीवरी. ओके, सो रिलेटेड टू व्हाट आई वाज टॉकिंग बिफोर कि व्हाट टू डू इफ मिल्क हैजंट कम. सो जैसे अगर आपका फ्लो या मिल्क नहीं आया है तो आप क्या करें? सबसे पहले आप हींग के लड्डू खाइए. ये बहुत ही हमारा इंडियन लेडीज़ का नुस्खा है कि आप अगर इसके लड्डू खाएंगे तो आपको आपका फ्लो अच्छा आएगा. दूसरा, आप गरम टावल का सेक करें अपने ब्रेस्ट्स पे. इससे क्या है कि वहाँ पे गर्म आहट बनेगी एंड उससे आपको आपका फ्लो आएगा. अगर आपको लम्स बन रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि आपके ब्रेस्ट इनगॉर्ज हो चुके हैं एंड अब आपको बस हीट्स लगानी है उधर सो दैट आपका मिल्क फ्लो बने. Now another question is, should I breastfeed my baby at night? Now definitely. बच्चा 2 से 3 बारी नहीं, मेरे बच्चा एटलीस्ट 3 से 4 बारी पूरी रात में भूखा होगा ही होगा. उसको भूख लगेगी ही लगेगी पूरी रात, मतलब कि शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक. सो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको पूरे दिन का हिसाब लगाना है तो पूरे दिन में 8 से 12 बारी वो लिटरली भूखा होगा, जिसमें आपको ब्रेस्टफीड करना होगा अपने बच्चे को. सो आप अपने बच्चे को रात में भी ब्रेस्टफीड करिए, क्योंकि रात में भी बच्चे को भूख लगती है. अगर बच्चा सोते हुए बाद में उठ रहा है और जागा हुआ है, दैट मीन्स बच्चे को भूख लगी है एंड आप बच्चे को फीड करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टू फीड, कि हम बच्चे को कितना फीड करें. नाउ बेसिकली ये बच्चे को डिसाइड करनी चाहिए. लेट द बेबी डिसाइड फॉर इटसेल्फ कि उसे कितना फीड चाहिए, आप मत डिसाइड करिए. जनरली न्यूबॉर्न्स फीड फॉर 15-20 मिनट्स एंड दे कैन गो ऑन फॉर लॉन्गर, दैट इज ऑल राइट, बट दे विल टेल यू हाउ मच दे वॉन्ट. वो अपने आप अपना आपको पीछे कर लेंगे, अपना मुंह फेर लेंगे फ्रॉम द निपल.
तो उससे क्या होगा कि फायदा आपको उससे आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चा इज डन. नाउ अब आप फीड कैसे करें, ऑन बोथ साइड्स और ऑन वन साइड. नाउ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड वॉट आई वॉज टोल्ड वॉज, आप बच्चे को फीड करें दोनों साइड. हाउ? बिकॉज आप यहाँ पे पहले आप एक ब्रेस्ट पे लगाएं और आप उसके बाद आप दूसरे ब्रेस्ट पे लगाएं. जब बच्चा वहाँ से हट जाए तो आप बच्चे को कंधे पे डाल के उसको बर्प करें. बर्प करने के बाद आप दूसरे ब्रेस्ट पे लगाएं. दूसरे ब्रेस्ट पे लगाने के बाद अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो लेगा वहाँ से. अगर भूख जब उसका फीड वहाँ से ओवर हो जाए, वंस द बेबी हैज फेड देमसेल्फ, देन अगेन बर्प देम. बर्प करना बहुत ज़रूरी है बच्चे को. अगर आप बच्चे को बर्प करेंगे मतलब उनका अंदर जो मिल्क गया वो डाइजेस्ट हो गया. अगर बर्प नहीं होती है तो वही बच्चा मिल्क स्पिट आउट कर देता है. सो उनको डाइजेशन प्रॉब्लम उससे होने का प्रॉब्लम है, इसीलिए आप बच्चे को बर्प करें. वंस बच्चा हैज़ बीन बर्प्ड देन देल बी मच मोर कंटेंट विद द फीड. नाउ द थिंग इज कि आप कितनी देर क्वेश्चन ये था कि आप कितनी देर फीड करें, ये आप बच्चे को डिसाइड कर लीजिए. लेकिन वंस यू आर लाइक 4 to 5 days और 10 days into a newborn phase, तो आप जनरली एक टाइमर सेट कर सकते हैं कि आपको पता है कि जनरली ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज बच्चे ने फीड्स फॉर 15 minutes ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, सो आप बच्चे को पहले ऑन वन साइड फीड करिए फॉर 15 मिनट्स और उसके बाद दूसरे साइड करिए फॉर 15 मिनट्स. कभी कभी बच्चे टोटल फीड ही लेते हैं 15 मिनट्स की, राइट? सो आप 7 मिनट्स एक साइड, 8 मिनट्स दूसरी साइड, लाइक दैट आप कैलकुलेट करिए. टाइमर्स रखिए, बहुत सारे ऐप्स आते हैं विच विल हेल्प यू नो कि विच इज हाउ मच टाइम ऑन दिस साइड एंड हाउ मच टाइम ऑन दिस साइड. और नेक्स्ट टाइम आपको जब फीड करना हो, दैट इज आफ्टर 1 or 2 hours, देन यू हैव टू गो इन ऑन द साइड वेर यू लास्ट लेफ्ट एट. तो मतलब कि तब आप उधर जाइए जहाँ पे आपने लास्ट उस बच्चे को फीड किया था, जिस साइड पे लास्ट फीड किया था, बिकॉज वहाँ पे फ्लो अभी भी बना हुआ होगा. So it would be much easier. Now, how do I know if baby is getting any milk or not? This is a very common question. Iska answer ye hai ki aap, you can or you will be able to hear and see if baby is gulping down milk. बेबी के गल्प्स आपको सुनाई देंगे, आपको दिखेंगे. सो यू कैन सी दैट, यू हैव टू नोटिस दैट, तो आपको पता चल जाएगा. एंड कभी कभी गल्प्स के साउंड आते हैं तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे को फीड मिल रही है. ओके, सो दीज वर दी कॉमन एंड बेसिक क्वेश्चंस दैट एवरी ब्रेस्ट फीडिंग मॉम फेसेस एंड स्ट्रगल्स विद. सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो. आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग रिगार्डिंग और इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर माय बेस्ट.